हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप एवरीवन इज फिट एंड फाइन। एंड आई थिंक सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। अब लास्ट के 30 डेज हैं हरियाणा एडीओ के लिए। अब 30 दिन जो जितना अच्छे से यूटिलाइज करेगा उतना आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। एंड अगर किसी ने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है किसी कारणवश, या फिर आपने जो सिलेबस देखा है उसके कारण आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आई विल ट्राई कि जो बेस्ट से बेस्ट आप लोगों के लिए होगा वो बताने की कोशिश करूंगा, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू में ऐड कर सकते हैं। एंड इसमें हमारा जो क्रैश कोर्स जो आपने नाम पढ़ा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कस करूंगा ऐसे स्टूडेंट के लिए जो कोई भी बैच परचेज नहीं करना चाहते, सिर्फ सेल्फ स्टडी में ही इंटरेस्टेड होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने पढ़ा है देन वेल गुड, अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है तो इनिशियली आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं उसके बारे में बात करूं, तो एक बुक आपने देखी होगी नेमराज छुंडा। इसमें आपको क्या पढ़ना है, जो बेसिक्स दिया हुआ है, अगर एंटोमोलॉजी को आप स्किप कर सकते हो, आप फार्म मशीनरी को स्किप कर सकते हो, स्टैटिक्स स्किप कर सकते हो, आपकी जो अगर मैं बात करूं एनिमल हस्बेंड्री, ये वाले 4-5 सब्जेक्ट आप छोड़ सकते हैं। एंड रेस्ट आप 300 पेज आपके पास बचेंगे, 300 से 350। एंड अगले 30 दिन तक अच्छे से अगर आप इनको पढ़ोगे तो बुक आपकी आराम से कवर हो सकती है। बट हम इसको आप 10 से 11 दिन, 10 से 15 दिन अगर आप कवर करोगे तो 2 से 3 रिवीजन आप बाद में कर सकते हो। सो सबसे पहले आप इसको ले सकते हो, जो बुक मैं आपको दिखा रहा हूँ नेमराज छुंडा। इसके अलावा आप इसके साथ एक और बुक सप्लीमेंट कर सकते हो जहां से आपका सिलेबस बहुत अच्छे से कवर होगा। इसके 2 वॉल्यूम आते हैं, अरुण कात्यायन, आई थिंक सभी स्टूडेंट ने पढ़ी भी होगी ये वाली बुक, जो बुक है ये आप प्रेफर कर सकते हो। इसको आप एक शेड्यूल बनाना डेली 4 to 5 आवर्स मिनिमम, बट मैक्सिमम आप, मैं एडवाइस करूंगा 10 आवर अगर आप दे रहे हैं तो द बेस्ट रिजल्ट आपके लिए निकल के आएंगे। यहाँ पे आप डेली 3 से 4 घंटे नेमराज छुंडा पढ़ो, देन आपका जो रिमेनिंग पोर्शन है, या फिर पहले आप अरुण कात्यायन पढ़ सकते हो जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, क्योंकि नेमराज जी मोस्टली आपको फैक्ट मिलेंगे। एंड मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 40+ क्वेश्चंस नेमराज छुंडा से डायरेक्ट उठाए जा सकते हैं एज फैक्ट। अगर फैक्चुअल क्वेश्चन आए तो नेमराज छुंडा आपके फैक्ट जरूर कवर करेगी। इसके अलावा जिन स्टूडेंट ने दोनों बुक कवर कर ली है सब प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिस भी आपके लिए जरूरी है। ओमआर में जो सिली मिस्टेक है उनसे बचने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एंड 50% अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आप ये जो बुक है ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर SR कानपुर ये वाली प्रेफर कर सकते हो। मेरे पास ये बहुत पहले की है, आई थिंक मैंने 2017 के आसपास इसको ली थी, तो आप ये बुक देख सकते हैं। एंड इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ जो शुरू के 18 चैप्टर है उसमें से भी आपको फिशरी अवॉइड करना है, माइक्रोबायोलॉजी अवॉइड करना है, एंड स्टेटिक्स अवॉइड करना है, या फिर जो आप देख सकते हैं जो सिलेबस में मेंशन नहीं है उसको बिल्कुल अवॉइड करना है। अराउंड 300 पेज ये बनेंगे। तो डेली अगर आप 2 मॉक टेस्ट इसमें, अगर प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, मॉक टेस्ट का भी हम डिस्कस करेंगे, तो प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। सो ये उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने सेल्फ स्टडी करनी है, तो आप लोग इसके लिए प्रेफर कर सकते हैं। एंड अगले 1 महीने तक आपको बिल्कुल डेडिकेटली पढ़ना है, एक टाइम टेबल आप बना लो एंड अपने दीवार पर चिपका सकते हो, अपने आपको बार बार याद दिलाओ कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, अदरवाइज आपको जो फोकस इस टाइम पे इधर उधर हो सकता है। अब हम बात करेंगे जो क्रैश कोर्स का नाम हमने लिखा है वो टेस्ट सीरीज। जो स्टूडेंट सिर्फ टेस्ट सीरीज के लिए देख रहे हैं तो काइंडली आप इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज मैं संडे या फिर मंडे को अनाउंस कर दूंगा, एंड उस दिन आप अवेलेबल, आपको सारी की सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाएंगी। एंड जो प्राइस है वो भी आपको बता दिया जाएगा, अराउंड 100 to 150 के आसपास इसकी कॉस्ट रहेगी। दैट्स इट। इसमें आपको कितने नंबर ऑफ मॉक टेस्ट मिलेंगे वो मैं डिस्कस कर दूंगा, सो आप इसी को यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। अब मैं सिर्फ बात करूंगा क्रैश कोर्स के बारे में, ये क्यों है एंड किन स्टूडेंट के लिए है, और इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे वो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो जैसे आपने नेमराज छुंडा देखा, सो आपको ये लगता कि मैं नहीं पढ़ सकता इतने दिन, तो हमारे पास इसका एक सोल्यूशन है कि हमने हमारे बैच में लाइन बाय लाइन अभी पिछले सिर्फ 1 हफ्ते में इसको ऑलमोस्ट कंप्लीट हम करने की तरफ जा चुके हैं। डेली हम 25 से 30 पेज हम डिस्कस किए, एंड लाइन बाय लाइन जितने भी फैक्ट थे, जो भी कॉन्सेप्ट थे, जितनी भी ट्रिक्स थी, जो वोलेटाइल काइंड की चीजें लाइक इंसेक्ट इकोलॉजी में, या फिर हम बात करें प्लांट पैथोलॉजी में, जहां पे भी ट्रिक्स लगाने की आवश्यकता थी मैंने ट्रिक्स के थ्रू आपको पूरी पूरी नेमराज छुंडा कवर करवा दी। 1 या 2 क्लास बची है, आज मैं प्लांट पैथोलॉजी की अपलोड करूंगा, बट आई हैव कंप्लीट दिस। तो आप इसको देख सकते हैं इस क्रैश कोर्स में। इसके साथ आपको क्या मिलेंगे, जो SR कानपुर की जो बुक है, मैं ट्राई करूंगा इसके जो 18 चैप्टर है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसमें अराउंड 3000+ MCQs उसका आपको एक वीडियो फॉर्मेट में कोर्स मिलेगा, वहां से आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके साथ आपको इस क्रैश कोर्स में मिलेंगे जो मॉक टेस्ट की मैं बात कर रहा था, जो अभी स्टूडेंट को बताया कि टेस्ट सीरीज अराउंड 15 to 20 मॉक्स आपको मिलेंगे जहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड इस सारा का सारा हम कब तक करेंगे, अराउंड 25th ऑफ सेप्टेम्बर,
उसके बाद अगले 20 दिन आपको सिर्फ सेल्फ स्टडी करनी है एंड मैक्सिमम रिवीजन करना है। जितने मॉक्स आपको मिलेंगे 20-21 तारीख तक मिल जाएंगे, एंड डेली आप 2 से 3 लगा के उनको कंप्लीट कर सकते हो। एंड द लास्ट मॉक जो आपको मिलेगा वो एग्जाम से 15 दिन पहले, एंड उसमें आपको ओएमआर पे ही फिल करना है। ये वाले जो है 3000 क्वेश्चंस, ये वैसे आप प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू देख सकते हैं। यहाँ पे जो मॉक टेस्ट मिलेंगे 15 से 20, ये वैसे आप कर सकते हैं अपने किसी भी, लेकिन ओएमआर पे एटलीस्ट 2 से 3 मॉक आपको जरूर देने हैं। उसमें आपको जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, लाइक हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो एंट्रेंस एग्जाम है, प्लस जो हरियाणा एडीओ, तो चलो एग्जाम नहीं हुआ अभी तक, हरियाणा एसडीओ का एग्जाम था वो आपको मिलेगा, पंजाब एडीओ का एग्जाम मिलेगा, एज वेल एज एक पेपर आपको यूपीएससी की थीम पे मिलेगा। आई मीन ये जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एंड अगर वैसा एग्जाम बन गया तो वहां पे अगर आप 40% भी उस टेस्ट में नंबर ले रहे हो तो कहीं ना कहीं आप उस टेस्ट में अच्छे नंबर ले सकोगे। बट यूपीएससी के थीम बनने के चांसेस 10% है, 90% चांसेस है कि जो आपके अदर स्टेट के एग्जाम होते हैं सिंगल लाइन के क्वेश्चंस, वैसे एग्जाम देखने होंगे। अब मैं बता रहा हूँ कि आपको जो जो सेल्फ स्टडी कर रहे थे या फिर नेमराज हुंडा में और एस आर कांत जो हमारे अरुण कात्यांती, उसको हम कैसे यूटिलाइज करना है। जो बैच क्रैश कोर्स की बात थी तो उसको एक बार मैं थोड़ा सा और एलिबोरेट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको कितनी कॉस्ट पड़ेगी, 300 रुपीज। इसमें आपको सारी की सारी वीडियोज मिलेंगी नेमराज हुंडा की लाइन बाय लाइन, एंड आप अगर चाहो तो अराउंड 20 के पास वीडियो बनेंगी, 20 से कम भी हो सकती है एक दो, उनको आप डेली बेसिस पे 2 देखते हो तो नेक्स्ट 10 डेज में आप कंप्लीट कर लोगे। अगर डेली 3 देखते हो तो आप 6 to 7 डेज में भी इसको कंप्लीट कर सकते हो। तो ये आप पे डिपेंड है आप कितना डेली अपने आप को दे सकते हो। अराउंड 1.5 आवर की एक क्लास है जिसमें आपके अराउंड 25 to 30 पेज हमने डिस्कस किए, एंड उसके अलावा जितने भी कोर्स बाकी जो बचा है जहाँ पे मैं मॉक टेस्ट दूंगा वो तो आपका सारा का सारा 300 रुपीज में है। सो इट्स जस्ट सीरियसनेस एज वेल एज आपका जो डेडिकेशन रखने के लिए। सो डेली आपके 10 रुपए लग रहे हैं, एंड उस 10 रुपए को आप कितना यूटिलाइज करेंगे, जहाँ पे आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, एंड क्या आपका क्वेश्चन 50% क्वेश्चन एज इट इज वहीं से उठ जाए। तो नेमराज हुंडा की बात करो, एस आर कांतवा की बात करो और अरुण कात्या, बट आपको नेमराज हुंडा एस आर कांतवा मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, एस आर जो आपके अरुण कात्या अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको अपने लेवल पे कंप्लीट करना। आई एम एक्सपेक्टिंग नेमराज हुंडा से क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे अगर फैक्चुअल बने तो। अब मैं बात करूंगा सिलेबस, जो हमने देखा कौन सा पोर्शन हमने कहाँ से कवर करना है। इकोलॉजी की मैं बात करूँ, सो बैच के स्टूडेंट को इसकी वीडियो मिल चुकी है, उसको अच्छे से देखना है। इसमें मैं ऐड करूंगा अपनी तरफ से इंटरनेशनल कन्वेंशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, जैसे अगर जितनी भी कन्वेंशन हुई है 20 के आसपास है वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ग्रीन हाउस के इफेक्ट कैसे हैं आप लोगों को पता है, ग्लोबल वार्मिंग कौन कौन सी कैसे होती है, एडवांस टूल फॉर द इकोसिस्टम आपको इकोसिस्टम एनालिसिस और रिमोट सेंसिंग जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इस सारे के सारे हमने क्वेश्चन बनाए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, वहां से आप देख सकते हो। क्रॉपिंग पैटर्न ये काइंड ऑफ हम ऑलमोस्ट आपका एग्रोनॉमी में कंसीडर कर सकते हैं, सारी की सारी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है। इम्पैक्ट ऑफ हाई यील्डिंग का क्या इम्पैक्ट है यार, एनवायरमेंट पे भी कंसर्न है, या फिर हम बात करें सोइल पे भी कंसर्न है, आपकी फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन उसमें ज्यादा है, इस सारी की सारी चीजें एग्रोनॉमी में हमने डिस्कस की, तो इसको ज्यादा बोधरेशन लेने की आवश्यकता नहीं। अब बात करें फॉरेस्ट्री की, तो ये आपका नेवराज हुंडा एज वेल एज हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर से आपको लेक्चर मिल जाएगा, एक ही वीडियो में हम इसको कवर करेंगे, एग्रो फॉरेस्ट्री एंड इट्स वैल्यू एडिशन, इसके भी मॉक आपको क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अलावा वीड हमने डिस्कस किया तो अच्छे से, वहां से आपको देखना है नेवराज हुंडा में क्लियर है। तो ये 4 सब्जेक्ट हमने देख लिए। अब आता सोइल फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, इसमें आपको जो नेवराज हुंडा में मिला है वो आपको करना है, अलोंग विद आपको एक पीडीएफ मैं प्रोवाइड करूंगा जो इसको सारे के सारे को कंप्लीट करती है, अराउंड 150 पेज की है, बट वहां पे कॉस्ट बेनिफिट उतना है, अगर आपको यूजफुल लगे तो पढ़ो, अदरवाइज उसको आप डिलीट कर सकते हो उस पीडीएफ, दैट्स इट। उसके बाद सोइल कंजर्वेशन इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट, ये हम नेमराज हुंडा से अभी तक तो नहीं आया बट आगे आपका आने वाला है। देन जो आपकी हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर है इसमें पोर्शन बहुत अच्छा दिया है, वहां से हम डिस्कस कर लेंगे, अगले 3-4 क्लास में सिर्फ यही डिस्कस हम करेंगे। वाटर यूज एफिशिएंसी वहां पे है, या फिर ड्रिप एंड इरीगेशन सिस्टम, आपका इरीगेशन में हमने अच्छे से देख लिया था, सो इरीगेशन प्रोजेक्ट अगर मेजर कौन सा है, माइनर कौन सा है, मीडियम कौन सा है, ये वाले क्वेश्चन बनेंगे। देन फार्म मैनेजमेंट वी विल डिस्कस फ्रॉम द हैंडबुक, जो अभी सिर्फ 4 से 5 दिन का टारगेट है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वी हैव डिस्कस ऑलरेडी, एंड नेमराज हुंडा में सिर्फ एक पेज में है, वो सफिशियंट नहीं है, बट आई विल रिकमेंड कि जो हमने बैच में किया था अराउंड 6 to 7 वीडियो है, एंड एक वीडियो में हमने 3 से 4 लेक्चर डिस्कस किए, तो 15 लेक्चर थे जिसमें सारे के सारे के एनजीओ वगैरह मैं बता दूंगा आपको कहाँ से करना है। इसके अलावा सेल स्ट्रक्चर आपको एमसीक्यू फॉर्म में, एज वेल एज 2-3 क्लासेज आपके डॉक्टर सोनू की बाकी है जिसमें जो साइटोप्लाज्म की इनहेरिटेंसी वाले बचे हुए होंगे, तो आई विल डिस्कस।
प्लांट ब्रीडिंग नेमराज हुंडा से हमने कंप्लीट कर ली है, बट इसको आपको जो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिलेंगे, एंड यहाँ पे इतना कॉस्ट बेनिफिट नहीं है कि आप एक एक चीज को पढ़ोगे, एट्रोसिस एंड एक्सप्लोटेशन ये सब आपका इतना क्वेश्चन यहाँ से बनने भी नहीं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, तो इन सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस नहीं करना। ऊपर जो हमने डिस्कस किया एक्सेप्ट सेल एंड एनवायरमेंट जो है, सॉरी हिस्ट्री ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, सारे के सारे आपने एग्रीकल्चर पोर्शन के यहाँ अच्छे से कवर कर सकते। सीड प्रोडक्शन अभी हम डिस्कस करेंगे सीड टेक्नोलॉजी में, आईपीआर इसके नोट्स आपको हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर से प्रोवाइड करवा दूंगा, डब्ल्यूटीओ में इसके क्या इश्यू है, इंपैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर क्या क्या पड़े, रोल ऑफ पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के क्या क्या है, बिकॉज ये वाला जो सिलेबस है ये आपका डिस्क्रिप्टिव है, एंड यहाँ से आई डोंट थिंक कि हरियाणा में कोई ऐसा क्वेश्चन पेपर बना सकता है, क्योंकि एग्जामिनर ने या फिर किसी की मैं बात करूँ तो एज इट इज कॉपी किया, तो आपका एग्जाम भी कॉपी हो सकता है, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी कॉपी पेस्ट करके डाला जा सकता है। प्लांट फिजियोलॉजी वी विल डिस्कस एक दो चार सब्जेक्ट हम अगले 4 दिन में डिस्कस करेंगे, जैसे हम अभी कर रहे हैं एंजाइम एंड प्लांट पिगमेंट, यहाँ से बिल्कुल भी कॉस्ट बेनिफिट नहीं है, बट वी विल डिस्कस इस ये हम करेंगे। मेजर फ्रूट प्रोडक्शन नेमराज हुंडा से हमने कर लिया, एक लिंक आपको मैं दूंगा वहां पे आपके सोर्सेज हैं, अगर आपको देखना है इसमें बहुत ज्यादा आपको नहीं पूछना, क्योंकि हॉर्टिकल्चर का एग्जाम हो चुका है एंड इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं नहीं मानते यहाँ से आएंगे, बट आपको प्लांट जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिस है वो डिस्कस कर दी है, सॉरी डिस्कस कर रहा हूँ आपको शेयर कर दी है, आप देख सकते हो, बट उसको हम डिस्कस भी करेंगे। डायग्नोसिस ऑफ पेस्ट वगैरह अलग से कुछ नहीं करना आपका, जो जितना आपने पढ़ा है एंटोमोलॉजी और आपकी जो पैथोलॉजी में पढ़ा है, दैट्स इट। लास्ट जो बचता है फूड प्रोडक्शन कंजप्शन इन इंडिया, सो आपको जो 4 PDF मैंने प्रोवाइड करवाई थी जो एग्रीकल्चर ऑप्शनल था और यूपीएससी, इसमें आपको ये पोर्शन मिल जाएगा, 4th नंबर की जो PDF है उसके जो लास्ट 100 पेज वहां पे आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। या फिर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी दे रखा है, फूड का यहाँ पे सिर्फ इतना रोल है कि कंजप्शन ट्रेंड इंडिया में कितना है, 2020 में जो सिलेबस में डाला गया, 2018-19 में उसको तैयार किया गया, उन्होंने 2020 का विजन लिख दिया, इन्होंने एज इट इज कॉपी किया है, तो ये पूछ सकता है TPDS टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कब स्टार्ट किया गया, BPL लाइन ये वाली स्कीम कब स्टार्ट की गई, पॉवर्टी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS सिस्टम कब स्टार्ट किया गया, सॉरी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यहाँ से ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से आप, यहाँ से NFSM पूछ सकता है, यहाँ पे से FCI पूछ सकता है कब बना था, यहाँ से पूछ सकता है आपका जो अपेड्डा है 1985 में बना था वो पूछ सकता है। सो दैट्स इट, पहले तो इसको देखे घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, एंड यहाँ से क्वेश्चन जिस हिसाब से उन्होंने दे रखे हैं उस हिसाब के क्वेश्चन मुझे नहीं लगता ये लोग बना सकते, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस हिसाब से बनाएंगे, लेट अस सी। बाकी आपको UPSC के एग्रीकल्चर के जो मेंस के एग्जाम है, क्योंकि मेंस का सिलेबस था वो आपको प्रोवाइड करवा दिया गया, आप उससे देख सकते हैं एक बार, तो वहाँ पे बिल्कुल बेसिक्स पूछ सकता है। अगर मैं बात करूँ पेपर 1 की, पेपर 2 में जो सेल वगैरह है थोड़ा सा आपका ज्यादा टेक्निकल है, बट आपका एग्जाम है ADO का एंड एक्सटेंशन का, उसका मेनली काम है स्कीम इम्प्लीमेंट करनी है, फार्मर से कम्युनिकेट करना है, तो उस पर आपको ध्यान देना है। रेस्ट जो टेस्ट सीरीज है मैं अनाउंस कर दूंगा 2 या 3 दिन में, आपको 15 से 20 टेस्ट मिलेंगे, उसको अच्छे से देख सकते हो, एंड उस टेस्ट का सारा जो सोर्स है, ये जो 17 सब्जेक्ट है इस सिलेबस में मेंशन है, इसको हमने यहाँ से ही क्वेश्चन बनाए हैं, अराउंड 1500 क्वेश्चंस। तो अगर आप यहाँ से कर रहे हो तो क्या पता 20 से 30 क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से बन जाए, इतने बनते हैं, ऐसा नहीं है कि 1500 क्वेश्चन में 20-30 क्वेश्चन नहीं बन सकते, एंड अगर आपको इतनी हेल्प मिल रही है तो यू कैन क्रैक दिस एग्जाम। बाकी आपने जो आज तक पढ़ा है वो आपके अल्टीमेटली काम आएगा, ऐसा नहीं कि आपने जो पढ़ा है वो कॉमन सेंस भी काम आएगा आपके, आपने जितनी गलतियां की हैं वो भी आपको हेल्प करेंगी, बट आपको ट्राई करना है जो मॉक टेस्ट में प्रोवाइड करूंगा इसको सिर्फ 6 से 7 दिन में कंप्लीट करना है, सिर्फ एक मॉक टेस्ट या फिर 2 मॉक टेस्ट जो मैं आपको, एक तो यूपीएससी की थीम पे है वो एंड एक और उसको सिर्फ एग्जाम से 15 दिन पहले, लेकिन लास्ट 15 डेज कोई भी मॉक आपको नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ रिविजन जो भी पढ़ा है चाहे वीडियो जो कुछ भी, उसको बार बार 2x की स्पीड 1.5x की स्पीड, तो बहुत अच्छे से रिवाइज करना है एंड एटलीस्ट ट्राई करना। अभी तक हमने 2 रिविजन हम करने की तरफ है, तो एक रिवीजन आपको और मिलेगा क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में जो एसआर कांत हुआ है, एक काइंड ऑफ हम इसको बोल सकते हैं, उसके अलावा पैकेज ऑफ प्रैक्टिस एक बार दोबारा देख लेंगे क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं, एंड इतना होने के बाद आप एक अच्छी पोजिशन पे इन द एग्जाम अच्छा कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगा, 1500 क्वेश्चन यहाँ से एंड 3000 क्वेश्चन, तो बैच के स्टूडेंट को कुछ भी आपको परचेज करने की आवश्यकता नहीं है, 3000 क्वेश्चन एसआर कांत अगर हम डिस्कस करेंगे तो आपको सारी की सारी वीडियोज मिलेंगी, ये 1500 क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें आपको ऑलरेडी कुछ एक मॉक वगैरह प्रोवाइड करवा दिए गए थे, बट यहाँ पे 15 अलग से मिले। सो आई थिंक आज के लिए बस इतना ही, एंड किस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको एक और वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, उसमें आपके 20 से 30 क्वेश्चन में लेके आऊंगा, जहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन आपके सिंगल लाइन के होंगे, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन, कुछ एक आपके यूपीएससी बेस्ड है,
वहां पे आपको एलिमिनेशन टेक्निक सिखाने की कोशिश जरूर करेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। एलिमिनेशन अगर आप सीख गए तो आई थिंक एग्जाम आप क्रैक कर लो, बट अभी तक ये नहीं रिवील हुआ किस टाइम का एग्जाम बनेगा। बट डरना नहीं है, सभी लोगों के लिए इक्वल है, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक के लिए ये एग्जाम हार्ड बनेगा, ये सभी के लिए हार्ड बनेगा। अगर इजी आया तो सभी के लिए इजी होगा, बट जो मेन चीज है जो आपको पीछे करे वो चीज क्या है कि अगर आपने यही सोच के 30 दिन पढ़ाई नहीं की ये एग्जाम हार्ड बनेगा, एंड वो एग्जाम आ गया बिल्कुल नॉर्मल एंड आपने वो नॉर्मल भी नहीं पढ़ा, फिर सिर्फ और सिर्फ आपको ही फर्क पड़ेगा, फिर बाकी लोगों को नहीं फर्क पड़ेगा जो पढ़ रहे हैं। अब लोग सभी स्टूडेंट एंड आई थिंक 95% स्टूडेंट वही अपना बेसिक पढ़ रहे हैं एंड वही उनको हेल्प करेगा अल्टीमेटली, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है एंड अच्छे से पढ़ो। नेक्स्ट 30 डेज एक आप अच्छे से इसमें कोई भी शेड्यूल वगैरह बना सकते हो, डेली 5 AM पे आप अगर आप जाग रहे हो तो डेली 3-4 घंटे का एक स्लॉट अच्छा सा, उसमें आप ब्रेक भी ले सकते हो, देन अगेन आप एक स्लॉट ले सकते हो। तो इस तरह ट्राई करो, 10 घंटे अगर आप पढ़ोगे नेक्स्ट 30 दिन तक, देन आप एक अलग लेवल पे होंगे एग्जाम वाले दिन। तो जस्ट 1 महीने बाद आपका एग्जाम है, इस टाइम आप एग्जाम स्टार्ट कर चुके होंगे 1 महीने बाद, तो इस 1 महीने को आप कौन कितना अच्छे से यूटिलाइज करेगा वो डिपेंड करता है। डोंट थिंक कि रिजल्ट कैसा आएगा, रिजल्ट किसी को नहीं पता होता, एंड आपने अगर कोशिश की बहुत अच्छे से तो किस आपको कोई भी रिग्रेट नहीं होगा आफ्टर रिजल्ट। आपको सिर्फ और सिर्फ देन आप अगर रिजेक्ट होंगे अगर भगवान ना करे, बट तो सिर्फ आप 50% क्राइटेरिया की वजह से आपको इफेक्ट पड़ेगा, या फिर एग्जाम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ गया उसकी वजह से इफेक्ट पड़ेगा, एंड गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से, आपकी मेहनत के कारण आपने कोई भी ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा एंड आपको कोई भी रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने इस पोस्ट को, बट आप इस पोस्ट को जरूर अचीव करोगे अगर आपने 30 डेज बहुत अच्छे से पढ़ाई की। बस इस रेस में आपको आगे निकलना है, कौन क्या कर रहा है उसको आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना। अगर आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आप ज्वाइन करके नरेन के नाम से जो आईडी है वो आप पूछ सकते हो। आपकी सारी की सारी वीडियो जो प्रोवाइड करवा दूंगा, डेली बेसिस पे आप अपना शेड्यूल बनाओ और कितने आप वॉच कर सकते हो, कितने घंटे आप पढ़ सकते हो उस हिसाब से उनको पढ़ो, देन 4 से 5 दिन बाद या फिर 1 या 2 दिन में स्टार्ट कर देंगे तो 3000 क्वेश्चन एस आर कांतवा से, वो भी हम एक वीडियो में एक सब्जेक्ट जिस तरह हमने देखा था उसी तरह हम डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ओके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ, किस तरह के क्वेश्चन आपको करने हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट। आज के लिए बस इतना ही, सी यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।